प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धनबाद पहुंचे, हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी जी। धनबाद की धरती से पूरे झारखंड को साधने की कोशिश हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कि घर घर तक जाना और मेरा प्रणाम कहना, क्या संदेश मिला? और देखिए, साधने की जहां तक बात है तो पूरा देश क्या पूरा विश्व सदा हुआ है मोदी जी के गारंटी से और मोदी जी के काम से। आज पूरा विश्व जो है उनका प्रशंसक है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने लक्ष्य दिया है वो दिया है 400 के पार के ज्यादा सीटें जीत करके एनडीए की गवर्नमेंट बने और 370 भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाए। इसके निमित्त 14 की 14 लोकसभा सीटें हम लोग यहां जीतने का संकल्प लिए हैं और धनबाद की इस धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज आगमन हुआ था। उस सिंदरी के खाद कारखाने जिसको लेकर के निराशा छा गई थी, लोगों में एक ऐसा भाव पैदा हो गया था कि अब इस सिंदरी का कुछ नहीं हो सकता है, उस सिंदरी को जहां आज पुनर्जागृत किया है वहीं देश को भी पुनर्जागृत करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। ने बता दिया कि मोदी की गारंटी की गारंटी है, मोदी की गारंटी गारंटी को भी पूरी करने की गारंटी है, भीड़ ने बता दिया। बिल्कुल, आपने सुना किस तरह से झारखंड की धनबाद की धरती से नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है 400 सीट पार का, उस लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरा करेंगे ये दावा है। और अमर बाउरी ने भी यही कहा कि हमने भी यह संकल्प लिया है कि जो बीजेपी ने 400 पार का नारा लिया है उसे हर हाल में पूरा करेंगे। और मोदी की गारंटी ने जरूर ये गारंटी दे दी है कि यह भीड़ बताती है कि उनकी बातों पर उन लोगों को भरोसा है। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, धनबाद। केंद्र में तो मोदी रहेंगे, केंद्र में मोदी रहेंगे। क्यों ऐसा, मोदी का कौन सा काम है जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है? देखिए, काम तो ऐसा कर रहा है लेकिन उसको जो चीज का फोकस देना चाहिए, मंदिर हो ये सब है सब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नौकरी पर ध्यान नहीं दे रहे। नौकरी पर ध्यान, नौकरी में ध्यान नहीं दे रहा, नौकरी में थोड़ा सा ध्यान देते। अभी बेरोजगार बहुत, सरकारी जितना कारखाना सब बंद हो गया है। देखिए सर, फिर से लाना है, भीड़ आया हुआ है, इसका बयान सहित हम लौटाएंगे। हम पर लोगों का विश्वास है, आज जो इतना भीड़ आया हुआ है वैसे नहीं आया हुआ है, लोग हम पर विश्वास रखा है कि ये जो है सूद सहित हमको वापस करेंगे। तो मतलब सूद समेत फिर से एक बार मोदी सरकार, कोई विकल्प नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेता भी तो दावा कर रहे हैं कि हमें मौका दीजिए, हम उससे ज्यादा कर, आप तो देख रहे हैं ना कि जो एनडीए सरकार है क्या कर रही है, अभी एक जेल में है और आगे क्या होगा देखिए। वहाँ जो है उनका वही हाल है, जो सेंट्रल में उनका वही स्थिति है, जो राज्य में उनका वही स्थिति है, जो है तो हम लोग तो देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार को चला रहे, जब से आए लोहा चोरी, कोयला चोरी, बालू चोरी, सारा चोरी हो रहा है दिन दहाड़े। और आज जो महिलाओं को जो योजना का लाभ मिला था, जितने भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं थी जिनका लाभ मिला है, वो महिला देखिए आज धूप में तपती हुई धूप में लोग खड़ी रही और जब तक रही वहां सुनी और उसके बाद पैदल जा रही है अभी यहां से, और ये फिर जा रही है, बोले नहीं इस बार तो मोदी जी को लाना है। जो हमको धूप में हम लोग खड़े थे उस पर भी ध्यान दिए कि धूप में रह के भी आप हमारे बारे में आप सोच रहे हैं, तो वो अंतिम व्यक्ति तक सोचते हैं, अंतिम व्यक्ति। क्या एक बार फिर मोदी सरकार? हाँ, फिर लाएंगे मोदी सरकार को, दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं मोदी सरकार को लाएंगे। हाँ, पानी है, गैस सिलेंडर है, सब चीज का आराम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, मतलब मोदी काम कर, मोदी काम कर रहे हैं। देखिए, और भी सुनकर उनका भाषण बहुत उत्साह जगा, अच्छा लगा है। मोदी जी को पहले देखे थे सामने? नहीं, हम पहली बार रैली में ही आए सिर्फ उनके नाम से। मोदी जी के नाम पर पहली बार आए? पहली बार आए। मन में था कि मोदी जी को एक बार देख लें? हाँ। देखने के सामने से कैसा लगा और उनकी बातों पर कितना भरोसा है?
पूरा भरोसा है, उनके भरोसे के सहारे ही हम आए हैं। गारंटी है उनकी, गारंटी है मोदी की। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। देखिए फिर से एक बार मोदी जी, हाँ क्या बदलाव होगा? बहुत बदलाव होगा। अभी नारी लोग को इतना मतलब सहायता किए हैं, बताइए क्या मोदी जी पर कितना भरोसा है? पूरा भरोसा, जितना किसी को भरोसा नहीं। कौन सा ऐसा काम है जो मोदी जी का सबसे ज्यादा प्रभावित किया है आप लोगों को? आप अपने घर से कोरोना में हम लोग राम मंदिर बना के, जो हम लोग के पूर्वज का सपना था कि आज के युग में मेरे राम मंदिर वहाँ बने, आज वो मोदी ने मेरे कर दिखाए हैं कि यहाँ राम मंदिर मेरा बना के रखा दिए। जब राम मंदिर बना तो फिर भी कुछ करवे करेगा, हम लोग के लिए करवे करेंगे। बनवा सकते हैं तो हम लोग के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। आज काम हम सब छोड़ करके आ गए मोदी जी को। जी हाँ, बहुत अच्छा सा है। पैदल आए, भूखे प्यासे आए, लेकिन आए देखने के लिए। डेली होता है, कभी कभी मोदी के लिए तो हम लोग को समय निकालना चाहिए। बड़ा राम मंदिर बन गया, उससे बढ़कर अब कुछ भी नहीं है। देखिए हम लोग के लिए मोदी उतना दूर से आ सकते हैं तो हम लोग इतना 5-7 किलोमीटर चल के क्यों नहीं आ सकते हैं? इसे बोलते इतना काम किया, बोले एक क्या अनेक काम किए हैं, एक रहे तो ना गिना है, अनेक काम क्या गिना है।